और ये देखिए, सुबह हमने पूरी पैकिंग अपनी कर ली है, पूरे सामान पैक हो गए हैं, बस यहाँ से अब निकलना बचा है। ये अपनी गाड़ी लगी हुई है, खड़ी हमारी करना है, लोड करना एक चैलेंज जैसा है, क्योंकि पेट्रोल का हम भराएँ या लोड करें या लोड करके भराएँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पेट्रोल इसमें पीछे होना चाहिए। खैर, एक्टिवा हमारे बहुत साथ दे रही है, थैंक्स। ये रही वो मंदिर, देखिए माता रानी का, जहाँ हम रात में रुके थे। चित्रकूट 49 किलोमीटर है, बस्तर 40 किलोमीटर की। हम यहाँ पे भनपुरी से राइट मुड़ के हम डायरेक्ट चित्रकूट निकलेंगे। और कोई हमें हाथ मार कर रुकवा रहा है, चलिए रुकते हैं और फिर देखते हैं, पक्का हमारे सब्सक्राइबर होंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली में हम क्या जगदलपुर की ओर चित्रकूट को बढ़ ही रहे थे कि फिर हमें एक यहाँ पे देखिए कार में भैया मिले, मैम मिले, इन्होंने रुकवाया, इनसे मिले, बहुत नेक दिल बंदे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इनके बारे में, ये कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले इन्होंने यहाँ 96 में यहाँ से छत्तीसगढ़ से इन्होंने भोपाल के लिए 1100 किलोमीटर का बाई स्केट, आप लोग स्केट जो नहीं समझ पा रहे हैं मैं बता रहा हूँ, पैरों में जो छोटे छोटे जूते जैसे रहते हैं स्केटिंग बांध के, उन्होंने वहाँ से इन्होंने अपने टीम के साथ सफर किया था। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ, राष्ट्रीय एकता बंधुत्व का संदेश। देखिए सेम वही कंडीशन, हम क्या राष्ट्रीय एकता के लिए निकल रहे हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व के भावना के साथ इन्होंने वहाँ पे संदेश लेके निकला था। मैं आप लोग से चाहूंगा कि यार इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस क्लिप को शेयर कीजिए, मैं इंस्टा में डालूंगा, इसको शेयर कीजिए। प्लीज नाम सहदेव साहू सर हैं, जो कोंडा गांव से हैं, मैम भी साथ में हैं, अंत्या बच्चे भी उनके हैं साथ में। बहुत अच्छा एक चीज लगा यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। देखिए कार में रुकवाते हैं, बहुत दिल खुश हो जाता है। और ये जो चौक है, ये भनपुरी चौक है, यहाँ से हमें राइट लेना है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से राइट लेंगे, चित्रकूट यहाँ से 27 किलोमीटर है। और हम जस्ट इस चौक के सामने में, ये रहा हमारा सुबह का नाश्ता, हमने इंसुलिन ले लिया और चलिए खाते हैं, फिर मिलते हैं। चित्रकूट जा रहे थे मोड़, जैसे हम भनपुरी पास पहुंचे सर हमको मिले हैं, और ये भी बड़े शौकीन हैं ऐसे ट्रैवलिंग के लिए, और इन फ्यूचर हो सकता है हम लोग साथ में ट्रैवल करें भी, तो सर से मिल के बहुत अच्छा लगा। मैं सर, आप इनके चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरी ओर से इनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, भनपुरी से हम चित्रकूट जाने वाले बाईपास रोड में घुस गए हैं, देख सकते हैं यहाँ का व्यू, देखिए दोस्तों अल्टीमेट जंगल ही जंगल है यार, मज़ा आ गया यहाँ पे। अभी लगभग बज रहेंगे सुबह के 11 बज रहे होंगे अभी, और देखिए दिशा, और यहाँ पे ठंड है यार, क्योंकि हर तरफ जंगल ही जंगल है ना, तो यहाँ ठंड है, गर्मी नहीं लगे। कल जैसे कि अपन हाईवे से आ रहे थे, जो गर्मी फील हो रहा था वो गर्मी अभी रेट में नहीं लग रहा, बहुत प्यारा मतलब फील अपन कर रहे हैं। खैर, अपन तो जहाँ से जिस मंदिर में रुके थे हम वहीं पर नहा लिए थे। दोस्तों, पहले हम नारायणपाल मंदिर जा रहे हैं, आपको इस नारायणपाल मंदिर की मैं खासियत बताता हूँ। ये चित्रकूट से 5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है, जिस रूट से आप आएंगे वहाँ से लेफ्ट आपको लिखा एक बोर्ड मिलेगा, वहाँ से आप मुड़ जाइए, बिल्कुल लगा हुआ रोड से 100 मीटर की दूरी पर है ये नारायणपाल मंदिर। नारायणपाल मंदिर का गेट, ये देखिए स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं दोस्तों। ये मंदिर नारायण द्वारा निर्मित किया गया, जो कि एक रात में ही निर्मित किया गया। पहले ये शिव मंदिर हुआ करता था, बाद में इसमें विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। बहुत ही बेहतरीन ये कला का नमूना है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। चलिए पहले इसके अंदर गर्भगृह चलते हैं। वाह, ये देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा यहाँ पे नक्काशी किया गया है, और ये देखिए, अगर आपको दिख पा रहे हैं, ये विष्णु भगवान की प्रतिमा है, ये एक रात में ही इसको बनाया गया बता रहे हैं। इसका निर्माण सिर्फ एक रात में नारायण जी ने किया था। ये छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित ये मूर्ति है। बाहर से देखने से कहीं ना कहीं ये मुझे पूरी के मंदिर की याद दिलाती है, बिल्कुल वैसा ही कुछ कुछ डिजाइन देखते। चित्रकूट पहुंच चुके हैं, पीछे आपको वो दिखाएंगे, लेकिन साथ में देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल यहाँ पे का डांस चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ के ट्रेडिशनल लोग हैं प्लस ट्रेडिशनल डांस चल रहा है। ये किस चीज़ का डांस है दादा? हाँ। कौन सा डांस है? कौन सा नहीं बता पा रहे हैं ये देखिए, ये यहाँ पे कौन सा डांस है पता करते हैं किसी से, ट्रेडिशनल डांस है।
ये क्या चीज का डांस है भैया? ये बस्तर डांस, बस्तरिया डांस। अच्छा, सीजी भी चलता है और बस्तरिया डांस भी है। ये देख सकते हैं लोग पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस में यहाँ पे देख सकते हैं सबको। कुछ पहुँच गए हैं, देखिए यहाँ पे ये जवान भैया ये भैया हैं, इन लोग से भी मुलाकात हुई, इनके भी आके मुझे बढ़िया लगता है यार। जब हम परदेश में भी आए हैं और कोई मिलता तो लगता है नहीं कि हम परदेश में, अपने ही देश में, ऐसा लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया और बहुत अच्छा सपोर्टिंग नेचर के सब। मैं इन बार लोगों के लिए बोलूँगा थैंक यू भैया, आप लोगों ने ऐसा हम लोगों को ट्रीट किया, थैंक यू भैया। देख सकते हैं आप लोग चित्रकूट की इतनी सुंदर व्यू देखेंगे यहाँ पे, तो रेनबो भी बन रहा है अगर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं बताते चलूँ, ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और इसकी अगर रियल में अगर खूबसूरती देखनी है दोस्तों, अभी बहुत खूबसूरत है लेकिन अगर रियल में खूबसूरती देखनी है तो अगस्त सितंबर में आइए। ये पूरा यहाँ इस पोर्शन से लेके पूरा इस पोर्शन तक पूरा पानी गिरता है इसमें और ये पूरा भरा रहता है, ये कुछ नहीं दिखाई देता। इतना ज़बरदस्त, इतना भयानक लगता है वो मंजर की पूछे मत। पहले यहाँ पर देखिए ये बैरिगेट्स लगा दिए, पहले क्या वहाँ तक भी लोग जाते थे, वहाँ तक भी शूटिंग करते फोटो खिंचाते थे जो कि रिस्की था भी, लेकिन क्या हुआ बीच में 2 या 3 मिनट पहले ही उस पोर्शन से एक महिला ने, एक लड़की ने कूद के अपनी जान दे दी। रीज़न पता नहीं चला क्यों उसने जान दी तो दे दी, तब से इसको फिर यहाँ पे बैरिगेट्स लगा दिया गया। ये कंडीशन है क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे भीड़ देखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज है या स्पेशल किसी ओकेज़न पे यहाँ पे ये भीड़ लगती है, या एनी टाइम आपको चित्रकूट में एनी टाइम फुल भीड़ देखने के लिए मिलेगी। क्या यार एक्चुअली काफ़ी थका हूँ इसलिए मैं नीचे नहीं गया, जबकि यहाँ पे वोटिंग भी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वोटिंग हो रही है। पूरा नीचे तक लेके जाते हैं, काफ़ी थका हूँ, फिर नीचे चढ़ना ऊपर आना दिक्कत है। पर पर्सन 50 रुपीज़ लेते हैं यहाँ पे और देखिए क्राउड बढ़ते ही जा रहा है यहाँ पे। आप जब अगर देखेंगे तो आपको क्राउड दिखेगा पूरा बढ़ते जा रहा है। और ये रहा वो बोट फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम में जो हमें यहाँ पे और भी तेज़ है और हमें आगे भी निकलना है, तीरथ गढ़ भी जाना है, तो चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं अब आपको अगले स्टॉपेज पर। चित्रकूट से निकल रहे थे, वहीं पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हमसे मिले, तो पहले चलिए मिलाते हैं आपको। ये रहे देखिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स अभी पर दोपहर के 2, तो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, बड़ों प्रणाम, छोटों को सलाम, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो चलिए एक बार की भाई लोग से पूछते, भाई लोग कहाँ से भाई आप लोग? भैरमगढ़। एक्चुअली जैसे हम चित्रकूट से निकल रहे थे तो जैसे आपको बताया कुछ भाई मिले थे, फिर हमारे एक और नए सब्सक्राइबर मिले, और आपको बता दें उनका खुद का यूट्यूब चैनल है। पहले आपको मैं उनका आपसे इंट्रो करवाता हूँ, ये है वो भैया। हेलो गाइस, मेरा नाम सुमन है जी और मेरा चैनल का नाम है सुमन की व्लॉग्स। सुमन की व्लॉग्स। प्लीज़ गाइस, मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई का भी न्यू चैनल है, इनको सपोर्ट करें, क्योंकि विदाउट आपके सपोर्ट के यार हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं मेहनत करें हमको कोई भी उसमें बेनिफिट नहीं मिल सकता, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। आपसे हम सिर्फ सपोर्ट के लिए भूखे और प्यासे हैं, तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें, भाई को इंक्रीज करें। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे बन रहा है नारियल पानी, भैया जी बांट रहे हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे भी हैं। ये हमारी डुगडुग पूरा लोड कंडीशन में विथ तिरंगा, इसी का सहारा है दोस्तों। खाना खाने के लिए आए होटल में, यही जो चित्रकूट है वहीं पे है, और ऐसा नहीं कि हम लोग आए, देखिए बहुत से लोग यहाँ पे जो यहाँ पे दर्शकगण हैं सब आए हुए हैं। हमारा भी आज का भोजन यही है यार दोस्तों, आए तो बिल्कुल यहाँ पे खाना खाएं। दोस्तों मेरा खाना आ चुका है, इतने बड़े गंजी मुझे डाल दिए हैं खाने के लिए, ये रहा हमारा खाना। तो चलिए खाते हैं, खाने के बाद बताते हैं कि क्या टेस्ट है। दाल तो बड़ा ज़बरदस्त है, शौक लग रही है, ज़बरदस्त टेस्ट, देखते हैं हम टेस्ट करके कैसा लगता है। बढ़िया, घर जैसा है, रेट नहीं पता किया हमने कि क्या प्राइस ले रहे हैं, बस आ गया खा लेते हैं। हमने खाना फिनिश करके कंप्लीट करके अब बैठे हुए हैं, खाना कंप्लीट हो गया, अच्छा था खाना, बिल्कुल घर जैसा, बेहतरीन। रियल में जब भी आप चित्रकूट देखने के लिए आए तो बीच में यादव ढाबे के नाम से एक मिलेगा, वहाँ पे जो रुके हैं, ठीक है। चलिए आगे के लिए निकलते हैं, आज तो ज़्यादा दूर चले नहीं है क्योंकि चित्रकूट में काफ़ी टाइम हो गया, बहुत से सब्सक्राइबर मिले, बहुत से लोगों ने रोका हमें, इसलिए रुकना पड़ा। चलो आगे चलते हैं यार। जगदलपुर सिटी हम एंटर कर चुके हैं और एक्चुअली में जगदलपुर को चौराहे की नगरी से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे 475 या 77 चौराहे मिलते हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये शहर बसा हुआ है। चलिए देखते हैं, आज हम सोच रहे हैं हमारे पुराने स्कूल भी चलते हैं और कुछ यादें वो ताज़ा करते हैं। दोस्तों सामने आप देख पा रहे हैं जो वो है राजमहल, जगदलपुर का राजमहल, और अभी हम आपको जगदलपुर राजमहल, वहाँ के राजमहल का स्थित दंतेश्वरी मंदिर और साथ ही साथ राजमहल का दरबार ये दिखाएंगे। मैं बचपन में भी यहाँ पे आता था, यहाँ बड़े से भैंसे का मतलब स्टेचू लगा है, वो देख के मैं बहुत बड़ा करता था, वो बहुत ही बड़ा लगता था, बहुत रोमांचित हो जाता था।
ये हम पहुंच चुके हैं राजमहल राजा का, ये जगदलपुर के राजमहल में हम पहुंचे हैं। अभी हमने वहाँ पे अपनी पासिंग नोट करवा दी है, वहाँ पे CRPF के जवान लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं कितना भव्य है यहाँ पे, ज़बरदस्त राजमहल। चलते हैं आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं, ये देखिए राइट साइड गार्डनिंग देखिए। यहाँ पहले मीना बाज़ार लगा करता था, हमें जब हम छोटे थे हम भी यहाँ और आए हैं तो ये मीना बाज़ार हुआ करता था यहाँ। ये देखिए अब इसमें गवर्नमेंट अपनी कुछ रूम्स में ऑफिस लगाती हैं, इनका जो एक जो दरबार रूम है वो बस खुला है दर्शकों के लिए, वहाँ पर्यटक आके देख सकते हैं, तो वही देखने के लिए चल रहे हैं। सामने जो मंदिर है ना वहाँ पे दोस्तों, ये है एंट्री गेट, यहाँ पे जिस गेट से हमने एंटर लिया वहाँ उसी के सामने दंतेश्वर मंदिर में दरबार लगता है। ये देखिए ये बाकी यहाँ पे इसकी देख रेख के लिए भी लोग हैं, कमलचंद भंजदेव जी जो यहाँ के राजा रहे हैं उनकी यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिमा लगी हुई है। पहले जब हम छोटे थे यहाँ आते थे यहाँ एक और गद्दियाँ होती थी, दो गद्दियाँ लगती थी, और जितने लोग यहाँ पे राजा हो गए ये देखिए, जितने भी लोग यहाँ पे राजा हुए सबके यहाँ पे फोटो, अभी ये वर्तमान में ये राजा हैं। ये देखिए ये देखिए, हम जब छोटे थे तो ये बहुत कितना बड़ा देखिए ये जंगली भैंसा है, हम छोटे थे तब पर भी आते थे यहाँ, तेंदुए की भी लगी हुई थी लेकिन अब शायद तेंदुए की सब प्रतिमाएं लगा निकाल दी गई, सिर्फ दो प्रतिमाएं, वो ख़राब हो चुकी थी शायद, तेंदुए नहीं वो रही, आपको दिखाते हैं वो रही तेंदुए की प्रतिमा। ये ऊपर से जो गेट है अभी भी राजा के जो भी संबंधित हम लोग रहते थे ये ऊपर जाता है वहाँ पे रहते हैं। और ये पहले जो राजमहल का जो फोटो देखिए आप, ये पहले के राजमहल ऐसी हुआ करती थी, अभी भी ऐसा ही है, ये भी वर्तमान में जो राजा हैं ये महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी अपने पिताजी के साथ बैठे हुए हैं। ये देखिए इस दरबार हॉल से ही महल की भव्यता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही भव्य रहा। पहले यहाँ पे तीन कुर्सियाँ हुई करती थी जब हम थोड़ी देर पहले ही बताया, यहाँ यहाँ ये मेन हुआ करते थे दोस्तों हॉल। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई आए रहते हैं, यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती, अभी जब हम आए तो भी भीड़ आपने देखा, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई आए रहते हैं। तो चलिए चलते हैं निकलते हैं बाहर, राजमहल से निकल रहे हैं। आप लोगों ने देखा राजमहल बहुत बेहतरीन है, अंदर की भव्यता तो आप लोगों ने देखी अल्टीमेट। यहाँ के मैं काफ़ी इमोशनल हो गया हूँ क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, ये जगदलपुर का बाल विहार स्कूल है और मैंने अपनी बचपन की शुरुआती जो शिक्षण ली थी इसी स्कूल से, सबसे पहले मैंने जो स्कूल ज्वाइन किया था ये मेरे लाइफ का पहला स्कूल यही था बाल विहार। हम लोग इस खिड़की के पास में बैठा करता था और अंदर में और था वहाँ पे बैठा करते थे, बहुत अच्छी याद है उस टाइम, बहुत मतलब बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लग रहा है यार इसमें। अपने बचपन के बाल विहार स्कूल को देख के निकले, हमें यहाँ पे भैया मिले और ये भी हमारे सब्सक्राइबर, बहुत अच्छा लगता है इन्होंने हमें कॉल किया, बहुत अच्छा लगता है ऐसे। जब मैं पहले ही फिर से बोल रहा हूँ कि जब हम विदेश में हैं या परदेश में हैं लेकिन जब अपने लोग मिलते हैं तो लगते नहीं कि हम कहीं दूसरी जगह, अपने घर पर ही ऐसा लगता है। फिर से मुझे वही फील आ रहा है भैया, थैंक यू मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करें मैम प्लीज़। और हम अभी जगदलपुर में हैं, जगदलपुर के यहाँ पे चौपाटी बनी है, पहले यहाँ पे एकदम मतलब कचड़ा वाला जगह रहता था, ये जस्ट अपने शहीद पार्क के बाजू में है, तो आप कभी भी यहाँ पे चौपाटी पे जरूर आएँ, बहुत बेहतरीन व्यू है और बहुत वाजिब रूप में आपको बढ़िया टेस्टी चीज़ खाने मिलेगी, बिल्कुल एक बार विजिट ज़रूर करें यहाँ। तो हम भी यहाँ पे बैठे हैं तो हम मोमोज खाने के लिए बैठे हैं, चलिए खाते हैं और फिर बताते हैं। देखिए हमें अपना बचपना याद आ गया, कितने क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे बच्चे हैं। कौन से स्कूल से हो बच्चा? DPS से। हमारे टाइम में यहाँ DPS नहीं था, यहाँ बाल विहार और निर्मल स्कूल हुआ करता, दोनों फेमस था उस टाइम। हाँ निर्मल में हो आप, हम भी निर्मल में पढ़े हैं, वहीं देख के आ रहे हैं। ये देखिए सारे बच्चे हैं अभी जगदलपुर में, हम बहुत बढ़िया लग रहा है। ये सब हमारे देश के भविष्य हैं, तो ये यहाँ पे बैठे हैं उन भविष्य को निखारने वाले लोग, सब दादियाँ। और जब आप लोग सब समझते हैं दादियों का प्यार अपने नाती पोतों के लिए क्या होता है, तो यार इनके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सारे हमारे सपोर्टर्स हैं, टोटल ऑल सपोर्टर्स हैं। एक बार प्लीज़ मैम आप लोग से रिक्वेस्ट है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बच्चे सब मिलने के लिए आए हैं,
छोटू बाय बाय, थैंक यू थैंक यू, एक बार और थैंक यू, और सबको एक बार। फ्रेंड्स अब निकल रहे हैं हम जगदलपुर से तिरठगढ़ के लिए, और अभी हो रहे हैं शाम के 5:30। तो फ्रेंड गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, बड़ों को प्रणाम, छोटों को सलाम। और हम जगदलपुर के शहर से विदाई लेते हुए और तिरठगढ़ को बैठे हुए दोस्तों, मैं तो कई लगभग हर साल आने की कोशिश करता हूँ बारिश में यहाँ, क्योंकि बारिश में जगदलपुर का माहौल ही अलग रहता है, देखने लायक और ज़्यादा ही चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोग भी बारिश में ज़रूर एक बार जगदलपुर का विजिट करें, बहुत ही ज़्यादा नया एक्सपीरियंस की ओर बढ़ ही रहा था। तो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर एक भाई मिले जो जिनका नाम है श्रवण कुमार, आपको इंटरेक्ट करता आता हूँ, उनका भी यूट्यूब में चैनल है। प्लीज़ आपका नाम भाई? मेरा नाम श्रवण कुमार है। आप मेरे ब्लॉग चैनल जैसे देसी बस्तरिया ब्लॉग देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ देसी बस्तरिया ब्लॉग जो भाई का चैनल है उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फुल सपोर्ट की जरूरत है यार। बस्तर का हमारा लड़का है, यहाँ का स्थायी निवासी है, बिल्कुल सपोर्ट करना है प्लीज़। मैं जब बढ़ रहा था तिरठगढ़ की ओर, तो ये भाई लोग सब यहाँ के स्थानीय निवासी इन लोग मिले, बहुत अच्छा लगा, सपोर्ट मिला मुझे, मतलब मन में एक डर था ना, वो डर खत्म हो गया। मैं भाई लोग से बोलूँगा एक बार हाय करेंगे भाई। हेलो भाई, बिल्कुल प्लीज़, नेक दिल बंदे हैं, इन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया, इन्होंने बोला भी अगर कोई दिक्कत है तो हमसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें, करके आप कभी भी आएँ तो मैं इनका नंबर डाल दूंगा, कभी कोई दिक्कत है बिल्कुल उनसे संपर्क करें, बिल्कुल हेल्प करेंगे। थैंक्स भाई आप लोग का मुझे इतना सपोर्ट किया, थैंक्स थैंक्स भाई। मैं यहाँ पर रात में तिरठगढ़ पहुँच चुका हूँ, खाना ना बनाना पड़ेगा करके यहाँ एक होटल, वहाँ से मैं खाना खा रहा हूँ, ऑमलेट, ये बरबट्टी की सब्ज़ी, ये चावल दाल, बस अब रात कहीं ही कहीं पर टेंट लगा के काटेंगे, खैर जैसे भी रहेगा आपको बताते हैं, और कल सुबह फिर दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। खाना खा के हम अपने टेंट पे आ गए हैं, बहुत अच्छा खाना था, और 70 रुपये प्लेट में भरपेट खिलाते हैं यार, कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। अब नाइट हो चुका था, नाइट में हम आए, तो कल सुबह अब जाके तिरथगढ़ देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। खैर अभी के डेट पे तो आप टेंट पे आ चुके हैं, सोने की तैयारी है, लगेज अंदर कर लिया हूँ, क्या जानवरों का खतरा तो बना हुआ है, खैर देखते हैं। फिर भी हमारे पास जमने जो हथियार बनाया था वो हथियार है, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा, अब जान है तो जान है, अगर कुछ ऐसी कंडीशन आई तो लड़ेंगे भी। ठीक है दोस्तों, अगर आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बहुत सारा अपना प्यार देना। मिलते हैं कल फिर से नए ब्लॉग्स में, तब तक सबके लिए गुड नाइट, गुड बाय।